जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने YouTube चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जन्माष्टमी पर सभी घरों में धनिये की पंजीरी बनाई जाती है। बनाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन आपके साथ मैं बहुत इजी वे शेयर करने वाली हूँ। प्रॉपर मेजरमेंट के साथ मैं इसको बनाने का तरीका आप लोगों को बताऊंगी, जिससे बनाना काफी इजी हो जाएगा। अगर तरीका अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जन्माष्टमी पर ज्यादातर घरों में बनाई जाने वाली धनिये की पंजीरी की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम होल धनिया ले लिया है और धनिया को बिल्कुल अच्छे से साफ कर लिया है, जो इसमें मोटे तिनके थे उठा दिए है, अच्छे से इसे फटक लिया है, यानी धनिया अच्छा सा साफ हो चुका है। और अगर आपको धनिया फटकना नहीं आता तो आप बिल्कुल अच्छे से इसे छान लें, जिससे इसमें कोई एक्स्ट्रा मिट्टी वगैरह होगी तो वो हट जाएगी। इसमें मेजरमेंट का एक विशेष ध्यान रखना होगा, जिससे हमारी जो पंजीरी बनेगी बहुत अच्छी बनेगी। और उसके लिए 200 ग्राम धनिया लिया है और इसके बाद गैस ऑन करके उसके ऊपर एक कढ़ाई रख दिया है और कढ़ाई में हम डाल देंगे ये साफ करा हुआ धनिया। फ्लेम को एकदम लो रखेंगे, बहुत ज्यादा हाई नहीं रखेंगे और लो फ्लेम पर हम धनिया को भूनेंगे। इसे भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आप पेशेंट के साथ इसे भूने, वरना धनिया कच्चा रह जाएगा। बहुत से लोग धनिये की पंजीरी पिसे हुए धनिये के साथ बनाते हैं, लेकिन उसमें उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना अच्छा इस वाली धनिये की पंजीरी में आता है। धनिये को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर करीब 8 से 10 मिनट तक भून लिया है और धनिये पे अच्छा सा ब्राउन कलर आ चुका है और इसकी खुशबू पूरे घर में क्या पूरे मोहल्ले में हो गई है, क्योंकि खुशबू बहुत तेज होती है। बस इसी समय गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देते हैं। धनिया जैसे ठंडा हो चुका है और इसी समय हम इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसके बाद हम इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। धनिया अच्छे से पीस चुका है, लेकिन धनिया एक बार में मिक्सी में उतना बारीक नहीं हो पाता जितना कि हमें चाहिए और उसके लिए हम इसे छानेंगे। और छानने के लिए मैंने लिया है ये मैदा छानने वाली छलनी। आप इसे गेहूं का जिससे हम आटा छानते हैं उससे ना छानें, क्योंकि उसमें उतना बारीक नहीं हो पाता। बस अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसे छान लेंगे। और धनिया हमारा बिल्कुल अच्छे से छन चुका है और ये जो थोड़ा सा बच गया है इसे आप सब्जी वगैरह में यूज कर सकते हैं। अब इस छने हुए धनिये को एक साइड से रख देते हैं। फिर से गैस ऑन करके उसके ऊपर एक मैंने कढ़ाई रख दिया है और कढ़ाई में डाल देंगे हम करीब 3 टेबल स्पून जितना देसी घी। जैसे घी हल्का सा गर्म हुआ उसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जितनी अजवाइन, जिसे हल्का सा दरदरा कर लिया है। फ्लेम को इस समय एकदम लो रखेंगे क्योंकि हम मसाले भूनेंगे। अजवाइन अच्छे से भुनी, इसके अंदर हम डाल देंगे ये गोंद। गोंद को अच्छे से फुला लेते हैं। जैसे ही गोंद अच्छा सा फूला उसके अंदर हम डाल देंगे ये 8-10 मखाने, जैसे बस रफली काट लिया है। इसी तरीके से 8-10 बादाम वो भी डाल देते हैं। ये मैंने लिए हैं 1 टेबल स्पून मगज, ये भी डाल दिए। और साथ ही लिए हैं काजू और उन्हें भी बस मोटा मोटा काट लिया है। ड्राई फ्रूट्स तो आप अपने मन से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये मैंने कुछ किशमिश भी लिए हैं, लेकिन अभी किशमिश नहीं डालेंगे। और एकदम लो फ्लेम पर इन सब चीजों को अच्छे से भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स और अजवाइन अच्छे से चटकी, इसी समय हम डाल देंगे ये जिंजर पाउडर, सौंठ, आप इसे जिस भी नाम से जानते हो, ये अदरक का पाउडर होता है और इस पंजीरी में ये कंपलसरी डाला भी जाता है। सब चीजें बिल्कुल अच्छी सी भून चुकी हैं और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। भुनने में बहुत ही कम समय लगता है और फ्लेम पर भी आप जरूर ध्यान रखें। और इसी समय हम इसमें डाल देंगे किशमिश। अगर किशमिश को आप गर्म घी में डाल देंगे तो वो बहुत जल्दी जल जाती है, इसलिए आप इसे बिल्कुल जब सब मसाले भुन जाए तभी डालें। और कुछ सेकंड भूनने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और हमारे ये मसाले और ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भून चुके हैं। मैंने लिया है ये पिसा हुआ धनिया, जिसे हमने पीस के रखा था। वजन में ये 200 ग्राम था और इसी समय हम इसमें ये 200 ग्राम बूरा डाल देंगे। बूरा, तगार, कंद, आप इसे जिस भी नाम से जानते हो।
और इन दोनों के साथ ही हम इसमें ये मसाले और मेवा भी डाल देंगे। हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मात्र 10 से 15 मिनट में कान्हा के भोग के लिए हमारी धनिया की पंजीरी बनकर तैयार हो गई है। इस जन्माष्टमी आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो अपने प्यारे प्यारे से कमेंट मुझे जरूर करें। आप लोगों के कमेंट का मुझे बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। हमारी कान्हा के भोग के लिए पंजीरी बनकर तैयार है रेसिपी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो और आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।